हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में द सेंटेंस चैप्टर जब आपने रीडिंग किया था तो आपको बताया गया था कि ये चैप्टर आप अच्छे से रीडिंग कर लीजिए जिससे कि आपको इस चैप्टर के विषय में जानकारी हो जाए। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि आपसे मैं कुछ सेंटेंस पूछने वाली हूँ जिसके आंसर्स आपको देने होंगे यदि आपको चैप्टर समझ में आता है। तो आशा तो यही है कि आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ उसके बारे में। आपको बताया था कि सेंटेंस जो होते हैं फाइव टाइप्स के होते हैं। नंबर वन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस टू टाइप्स के हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सेकंड नंबर था इंटरोगेटिव, थर्ड था इम्परेटिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव एंड फाइव एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस की आपको जो पहचान बताई थी कि सेंटेंस जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप दिया होगा, ये फुल स्टॉप है। नेक्स्ट आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको बताया था कि जो सेंटेंस होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर WH वाले वर्ड से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इम्परेटिव है। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट रहते हैं, लेट से भी स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्टेटिव था। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए देखिए ध्यान दीजिए, सेंटेंस में से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स रहता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस मार्क्स को बोलते हैं क्योंकि हम विराम अवस्था में नीचे पॉइंट लगा देते हैं। और क्योंकि ये में जो शब्द है आपका कुछ हेल्पिंग वर्ब भी है, इसलिए सेंटेंस को ध्यान देने वाली बात है। अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेम मिले तभी इसको हम ऑप्टेटिव बताते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सक्लेमेटरी था। एक्सक्लेमेटरी में आपके अलास है, हुर्रे है, आहा, ओहो, वंडर, इस तरीके के वर्ड्स रहते हैं, एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। तो आपके लिए मैं आज सिक्स सेंटेंस की एक एक्सरसाइज दे रही है छोटी सी, जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, लेट अस प्ले बैडमिंटन। सेकेंड है, काइंडली हेल्प मी। थर्ड, विल यू लेंड मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट है, आई हैव नॉट डन इट येट, फुल स्टॉप। मे यू लिव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेम। एंड व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज़। ये सिक्स सेंटेंस है, इनको आप ध्यान से पढ़िए और इनके टाइप्स जो भी आपको पता हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ के बच्चों को भी इसकी जानकारी रहे। चैप्टर को, वीडियोस को शेयर करते रहिए आपस में। सभी से बोलिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि सभी के पास ये नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा एम है। थैंक यू।